नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। काफ़ी सारे लोगों को ये बोलते आप सुनते होंगे, एक साल में सबसे ज़्यादा रिटर्न इस फंड ने दिया है या किस फंड ने दिया है वहाँ इन्वेस्ट कर दो, 3 साल में सबसे ज़्यादा रिटर्न, 5 साल में सबसे ज़्यादा रिटर्न, इस तरह का सुनते होंगे। इसको आगे बताते हैं क्या बताना है इसमें। सबसे पहला एक क्वेश्चन इसके पहले देखते हैं कि सारे लोग, 90% लोग को जो जिससे मैं मिला हूँ, एक रॉन्ग क्वेश्चन पूछते हैं। वो क्वेश्चन है, म्यूचुअल फंड अभी क्या दे रहा है? ये जो फंड आप अभी बता रहे हैं जिस फंड के बारे में, ये अभी क्या दे रहा है? जब मैं ऐसा क्वेश्चन सुनता हूँ ना, तो मुझे दाता पिक्चर का मिथुन चक्रवर्ती का एक डायलॉग याद आ जाता है जो आज से 35 साल पहले देखे थे। गाने के बीच में एक बोलते हैं, अरे चुब्बे अकल के कोहलू, तिलकोचे के छिलके। मतलब इस क्वेश्चन का ना कोई मतलब ही नहीं है। दूसरे शब्द में देखिए, ये डायलॉग तो मिथुन चक्रवर्ती का है, पर मैं आपको कैसे समझा रहा हूँ कि आपने सोना खरीदा, गोल्ड खरीदा, सिक्का खरीदा। अब मैं आपसे पूछूँ कि ये सोना अभी क्या रिटर्न दे रहा है, तो आप बहेंगे कहेंगे कि कैसा पागल जैसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अभी क्या दे रहा है, क्या बता दूँ अभी क्या दे रहा है। आप ऐसे पूछिए ना कि 5 साल पहले सिक्का खरीदा था और आज तक में कितना रिटर्न मिल गया, या 10 साल पहले सिक्का खरीद के रखा था तो आज इसका वैल्यू क्या हो गया, 15 साल पहले खरीदा होगा, 1 साल, 2 साल, 3 साल पहले, कुछ तो बताइए रेफरेंस। अभी क्या दूंगा, क्या बता दूं कि कल 50,000 था, आज 52,000 हो गया तो 2,000 बढ़ गया, या 50,200 हो गया तो 200 रुपया बढ़ गया, ये बताना, यही सुनना चाहते हैं। अभी क्या दे रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं दे रहा है। अभी क्या दे रहा है इसका मतलब इसके साथ जोड़ना पड़ेगा, 1 साल में क्या रिटर्न दिया है, 2 साल में क्या रिटर्न दिया है, 3 साल में क्या रिटर्न दिया है। तो अब से अगर वीडियो देख रहे हैं मेरा वाला, तो अभी क्या दे रहा है ये वाला क्वेश्चन पूछेंगे तो अगला मिथुन चक्रवर्ती का डायलॉग ही मिलेगा, तो वो नहीं सुनना है ना, तो वो क्वेश्चन नहीं पूछना है। तो अब यहाँ पे जब बोलेंगे, फेंकेंगे टाइकोट पहन के कि 1 साल में रिटर्न, 3 साल में रिटर्न, 5 साल में रिटर्न, अब इसमें घुस जाइए, डुबकी लगा दीजिए, नहीं करना है इसे। कभी भी शॉर्ट टर्म के रिटर्न को देख करके पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। देखना क्या है, AUM देखना है। इसको ऐसे दूसरे उदाहरण से समझिए, 11 खिलाड़ी को टीम में लेना है, इंडिया की टीम में लेना है, और एक बंदे को सिलेक्शन में लगा हुआ है, टीम सिलेक्शन में देखा कि एक बंदा ना एक मैच में शतक जड़ दिया, तो क्या उसको ले लेंगे? अरे उसके पहले भी देखेंगे ना, और कितना शतक मारा, और कितना 50, 60, 70 मारा, ऐसे तो नहीं कि पीछे 10 मैच में 0, 1, 2, 3, 4 में घुलट गया, देखेगा परफॉर्मेंस पीछे का। तो AUM सबसे ज्यादा अगर है तो क्या क्या होगा, पुराना फंड होगा तभी तो AUM बना होगा, ज्यादा इन्वेस्टर होगा तभी तो ज्यादा फंड बना होगा, फंड मैनेजर एक्सपर्ट होगा क्योंकि इतना पुराना है तो पुराने फंड मैनेजर उसको मैनेज कर रहे होंगे, एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा कम होगा। राजू भैया, ये सब चीज़ तो आप पहले भी बताएं, आपका वीडियो देख रहे ना, आप एक ही चीज़ हमेशा बताते रहते हैं, मजा नहीं आता है आपका वीडियो देखने में। अच्छा, हमने रामदेव बाबा का नाम सुना है, अरे उनका नाम किसने नहीं सुना है? भारत के हर अच्छे सिटी में वो 5 दिन का कैंप लगा चुके हैं, और वर्ल्ड में जो बड़े बड़े राजधानी हैं अच्छे देश के, वो सब जगह जा चुके हैं। वो केवल 5 चीज़ ही बताते हैं। वो 5 चीज़ पता क्या क्या है? वो 5 चीज़ है, अनुलोम विलोम कपालभाति, भ्रामरी उज्जयी, भस्त्रिका प्राणायाम। इधर गए अनुलोम विलोम करना है, इधर सिटी में गए अनुलोम विलोम कपाल भारती, विदेश गए अनुलोम विलोम कपाल भारती, अनुलोम विलोम कपाल भारती, अनुलोम विलोम कपाल भारती, अनुलोम विलोम कपाल भारती, यही बताए, करोड़ों लोगों को ठीक कर दिया और खुद तो फेमस हो ही गए। तो मैं यही एक चीज बताते रहूंगा, बताते रहूंगा, बताते रहूंगा, ये बात करोड़ों लोगों तक जाएगा तो फाइनेंशियल फ्रीडम अपने आप पा लेगा। अब दूसरे दूसरे लोगों को सुनेंगे ना तो बोलेंगे FD भी अच्छा है, किसान विकास पत्र भी अच्छा है, PPF भी अच्छा है, यूलिप के लिए भी वीडियो बना रहे हैं वो भी अच्छा है, सुकन्या योजना वो भी अच्छा है, चलो MF भी ठीक है, म्यूचुअल फंड भी ठीक है, SIP भी ठीक है, वो सब चीज़ के बारे में बोलेंगे, चैनल बहुत बड़ा है, हर चीज़ के बारे में बोलेंगे, सोना भी अच्छा है, प्लॉट भी अच्छा है, फ्लैट भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है। अगर इस तरह का मैं सुनता हूँ ना किसी चैनल पर सबको अच्छा बोल रहे हैं, तो रांझना पिक्चर का ना बड़ा बेहतरीन डायलॉग आ जाता है, पूछती है हम कौन है, तुम भाभी हो, वो कौन है, वो भी भाभी है, और वो भी भाभी है, मतलब सब भाभी है, भाई एक है
और बाकी सब भाभी है तो एक ही चीज अच्छा हो सकता है। ठीक है, मेरा क्वेश्चन है इन सब में सबसे अच्छा क्या है? आंसर मिलेगा म्यूचुअल फंड। कैसे? इसने पैसा कहाँ लगाया, इसने पैसा कहाँ लगाया, इसने पैसा कहाँ लगाया, इसने पैसा कहाँ लगाया, इसने पैसा कहाँ लगाया? आंसर है आपसे पैसा लेके मार्केट में लगाया और आपको 7-8% दिया। तो जब यही लगा दिया, हमारा पैसा ही लेके मार्केट में, तो हम ही लगा देते हैं और हम ले लेते हैं 15%, 16%, 17% हमें मिल रहा है। सबसे पुराना फंड 17-18% का रिटर्न दे रहा है। अच्छा, तो फिर बताइए कौन से फंड में इन्वेस्ट कर दूं? मेरे पास 15 लाख रुपया है। आपका वीडियो देखने के पहले प्लॉट का तैयारी चल रहा था, कॉर्नर का बर्फी साइज का टुकड़ा का बर्फ देख लिए थे, कॉर्नर वाला 4-5 तो लिए थे, पर स्टेशन रोड वाला जो ना कॉर्नर वाला नहीं लिए थे। बड़ा खटक रहा था, आंखों में किरकिरी हो रहा था कि वो हम नहीं खरीद पाए, वो खरीद लेते तो मज़ा ही आ जाता, 15 लाख है। लेकिन आपका वीडियो देख के समझ में आ रहा है कि पीछे तो बवंडर कर दिए हैं, सबको समेटना है। अब तो बचाइए ये 15 लाख रुपये कहाँ रख दें? तो मैं 5 फंड का नाम बताता हूँ, SBI, निपोन स्मॉल कैप, DSP, फ्रैंकलिन, कोटक। AUM देखेंगे इसमें 14,000 करोड़, 22,000 करोड़, 9,000 करोड़, 7,000 करोड़, 8,400 करोड़। एक बार 15 लाख रुपए लगाया 2012 में, सब लोग 2012 में लगाया, 2022 में 15 साल के बाद एक फंड ने बनाया 1 करोड़ 43 लाख, 25% का सालाना रिटर्न। दूसरे फंड ने 1 करोड़ 30 लाख, तीसरे ने 1 करोड़ 30, चौथे ने 52 लाख और पांचवे ने 89 लाख। सबसे खराब वाला जो बनाया है ना 61 लाख बनाया है 15 का, 15 चौके 60, 4 गुना पैसा हुआ है 10 साल में। क्या बात कर रहे हैं, 10 साल में ऐसा कैसे हो सकता है? लूट है क्या? हाँ, यहाँ पे तो वही है, राम नाम का लूट है, लूट सके तो लूट। हमने लूट लिया, आपने नहीं लूट पाए तो कोई बात नहीं, जब लूटेंगे तब लूटिएगा। सबसे खराब वाला जो बनाया है 61 लाख रुपया, एवरेज एवरेज सब में लगा दिया 87 लाख रुपया बनाया है 18% के रेट से। अच्छा, वन टाइम लगाया ना, ये तो कपाल भारती है। अनुलोम विलोम SIP को बोलते हैं। SIP क्या मतलब? 15 लाख नहीं है आपके पास, नहीं है तो 15,000 रुपये पर मंथ 15 साल, यदि 15% रिटर्न दिया तो 1 करोड़ बनेगा, नहीं दिया तो मैं पूछूंगा कितना दिया? 12% दिया राजू भैया, तो 12% के रेट से 75 लाख रुपये बनता है। क्या बात कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं करेंगे म्यूचुअल फंड। आप कितना भी समझा दीजिए, कितना भी बता दीजिए, कितना भी मोटिवेट कर दीजिए, हम नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे? हम FD करेंगे, हम PPF करेंगे, हम सब कुछ करेंगे, पर म्यूचुअल फंड नहीं करेंगे। ठीक है, 7% के रेट से 47,82,000 रुपया गारंटी मोहर मार के आपको मिल जाएगा 15 साल के बाद। 15,000 रुपये पर मंथ करेंगे, 15 साल तक करेंगे, 7% सेफ, सेफर सेफेस्ट के रूप में आपको 47 लाख रुपया मिल जाएगा। लेकिन बगल का एक बंदा, आपका गोतिया जिससे सबसे ज्यादा दुश्मनी है आपको, वो अगर गलती से म्यूचुअल फंड में कर दिया और गलती से 15% मिल गया तो 1 करोड़ 1 लाख रुपया हो जाएगा, मतलब आपसे ज्यादा पैसा, डबल पैसा हो जाएगा। क्या बात कर रहे हैं, वो कर रहा है क्या? हाँ किया था, 5,000 रुपये शुरू किए हैं और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। अरे बाप रे बाप, तो हमको भी करना पड़ेगा भाई, हमारा गोतिया हमसे आगे कैसे निकल सकता है? आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, और उसके पहले व्यू मैं देख रहा हूँ 10,000, 12,000, 15,000 हो रहा है और लाइक कोई घंटा नहीं हो रहा है, तो सब्सक्राइब करें ना करें अनसब्सक्राइब कर दीजिए, पर वीडियो को लाइक ज़रूर करना है भाई। क्या चल रहा है, इतना मेहनत से बनाता हूँ, लाइक तो करो। जब फिजिकल क्लास करता था ना, ताली बजता था, ताली बीच बीच में एकदम मोटिवेट होता था। यहाँ झंडू बाम देखता हूँ कि कुछ लाइक ही नहीं है, 100, 200, 300, 500। भाई बंदा 10,000 देगा, 10,000 लाइक होना चाहिए ना, लाइक करके टच करके भागो, जहाँ भागना है करना है टच, बाकी वही कहानी है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है इस नंबर पे व्हाट्सएप करें, SIP में इन्वेस्ट करना है तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। ऐप का और मेरे सर्विस का लाइफ टाइम कोई चार्ज नहीं है, एक ही बात बताते हैं, अनुलोम विलोम कपाल भारती। जुड़ना है तो जुड़ जाइए। वीडियो अच्छा लगे तो फैमिली मेम्बर्स के बीच व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में से जरूर शेयर करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।